नमस्कार दोस्तों, ब्लिस ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइज, हमने क्या कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्ट ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुली। और आप देखेंगे, हमने कहा था कि आप ज्यादा पॉइंट के लिए वेट मत करिएगा, छोटे छोटे पॉइंट लीजिएगा, यानी कि 50-60 पॉइंट। उसी तरह आप देखेंगे कि निफ्टी पूरे दिन साइडवेज कंसोलिडेट किया। मैंने कहा था कि फर्स्ट हाफ वेट करिए, फर्स्ट हाफ एक रेंज बनने दीजिए, उसके बाद हम फिर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से मार्केट ने ये रेंज बनाई थी, उसके बाद इसी रेंज में मार्केट पूरे दिन भर था, फिर लास्ट लास्ट में मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया और अपने डे लो पे जाके क्लोज किया है। तो गाइज, अगला ट्रेड हमें कैसे करना है, यानी कि फ्राइडे के सेशन में हमें कैसे करना है? अभी गाइज, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाती है 50-60 पॉइंट, और आज की क्लोजिंग के ऊपर अगर सस्टेन करती है और उसके बाद इस लेवल के, यानी कि आज के हाई को तोड़ती है 420 के लेवल को, तो हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सेप्ट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मार्केट में और पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो अभी काफी ऊपर लेवल से नीचे आया है, यानी कि 200 पॉइंट का डाउन दिखा रहा है। तो हो सकता है ओवरनाइट अभी मार्केट बाकी है कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे हमारा कल का मार्केट डिपेंड करेगा। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आज अपने डे लो पे क्लोज किया है। तो चलिए देखते हैं फ्लैट खुल के मार्केट क्या कर सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट चलना शुरू होती है और ये कल की क्लोजिंग को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है, ये जो लेवल कल का क्लोजिंग था 17,280 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है, तो हमें अगेन 17,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। गाइस, अगर मार्केट 17,200 के नीचे सस्टेन होती है तो हमें और मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था। अब इसको एक सपोर्ट के जैसे काम करना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन रहती है 1-2 दिन, तो हमें और फिर मार्केट जो है इस पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल को अगर नीचे ब्रेकडाउन कर देती है तो फिर मार्केट को नेगेटिव हो जाएगी अगेन, और फिर हमें अगेन डाउनवर्ड देखने को मिल सकता है। ऊपर का लेवल मैंने कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ऊपर हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि 420 एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद 500 एक क्राउन लेवल हो गया, फिर 580 के आसपास जो डेल ट्रेंड है, तो ऊपर कंटिन्यू रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इस ऊपर के इस लेवल को अगर को मार्केट को ब्रेक करना है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखानी होगी, तभी मार्केट इन ऊपरी लेवल को तोड़ेगा। अदरवाइज मार्केट इसी तरह से साइडवेज टू डाउनवर्ड ही कंसोलिडेट करेगा। तो गाइज, लेवल पे ही काम करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, जहाँ पे हम लाइव मार्केट सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि आज भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए, फ्री ऑफ ग्रुप में भी और प्रीमियम ग्रुप में भी। तो इससे आपको क्या होगा कि ट्रेड लेने में आसानी होगी और लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। तो गाइज, चले देखते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ मार्केट मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइज, मैंने क्या कहा था बैंक निफ्टी में, आप देखेंगे कितना अच्छा इसमें सिनेरियो बना। कल जो मैंने लेवल बताया था कि मार्केट गैप अप खुल के जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 620 का आएगा, आप देखेंगे मार्केट एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके अपने डे लो पे क्लोजिंग किया है। तो ये जो ट्रेड हमको मिला, ये बहुत अच्छा ट्रेड था आज हमारा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अपने डे लो पे क्लोज किया है। गाइज, अगर लेवल पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे काफी देर साइडवेज थी, उसके बाद ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, फिर वहां पे 620 के लेवल के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ गई और अपने डे लो पे क्लोज किया है। तो गाइज, इससे क्या है, अगर आप देखेंगे तो हर ऊपरी लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में और नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है, जिससे क्या होता है कि सेलर्स को अच्छा पैसा बनता है, बायर्स के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है फिर यहाँ पे। तो ऐसे मार्केट में आप लेवल्स पे ही काम करिएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर फिर अगेन आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 39,400 और फिर 39,600। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो आज का जो हाई है इसको तोड़ के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तभी मार्केट एक बुलिश व्यू रहेगा। और मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद भी यही सिनेरियो, जब तक 39,620 को नहीं तोड़ती तब तक हमें ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिलेगी।
गाइज डाउनवर्ड का क्या सीन है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के 39,200 के लेवल को अगर तोड़ती है तो अगेन हमें 39,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और फिर अगर 39,000 भी तोड़ देता है तो 38,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। गाइज ये जो बुलिश व्यू आया था उसके बाद देखेंगे कि अगेन फिर सेलर आके यहाँ पे हावी हो गए, उसके बाद फिर मार्केट अपने डे लो पे ही क्लोज किया, जो कि एक साइन है कि मार्केट में अभी भी बहुत बेयरिश है। तो गाइज अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगी। गैप डाउन होने के बाद अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 50-100 पॉइंट गैप डाउन होती है तो आप आज की क्लोजिंग के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बैठ सकते हैं, और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है तो फिर आप वेट करिएगा यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का या फिर इस लेवल को तोड़ने का, इसके ऊपर सस्टेन करने का। तो लेवल पे ही काम करिएगा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही काम करिएगा। थैंक यू गाइज, अगर इसी तरह के लर्निंग के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।